सबसे पहले तो जय सी एल सी, और मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं पहले भी आई थी यहाँ पे, मैंने पहले भी बोला था, तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आए थे ऐसे पूछने, और सबसे एक जो मेन क्वेश्चन मेरे से पूछा था वो था कि फिज़िक्स में बहुत दिक्कत है, तो फिज़िक्स में बहुत दिक्कत है, केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत है, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आज पापा ने यूँ एक लड़की को एक प्यारी सी स्टोरी बताई दो एनिमल्स की, तो वो मैं बताना चाहती हूँ। तो डिस्कवरी चैनल पे ऐसे था कि शेर जो था वो हिरण के पीछे भाग रहा था, ठीक है। तो समझो शेर फिजिक्स है और हिरण जो है वो आप हो, ठीक है। तो वो आपके पीछे भाग रहा था और सडनली क्या हुआ, हिरण रुका और उसने पीछे मुड़ के देखा तो शेर भाग गया। तो आपको अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उन्हें फेस करना है। अगर आप फेस करोगे तभी वो क्रैक होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो सबसे पहले तो, मतलब जैसे फिजिक्स हो गई या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो उनको फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ भागने से कुछ नहीं होगा, और फेस करने के लिए सबसे बेस्ट है आप टीचर्स से, सारे टीचर्स हैं, इतनी बेस्ट फैकल्टी है, ये हर एक डाउट बताती है आपको, आप जब पूछोगे तब बताएगी कि चाहे ये घर भी जा रहे होंगे ना, जैसे घर जाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी का गेट खोला, तब भी आप पूछोगे ना सर सर एक डाउट है, तो ये रुक जाएंगे और आपको डाउट बता के जाएंगे जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो ये सीएलसी की बहुत ख़ास बात है कि हाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी है। मैं तो पर्सनली, मतलब फैकल्टी तो मेरी बहुत ही अच्छी रही है। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे ट्वेल्थ के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो बोर्ड की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड के लिए आप बस सीएलसी पे ट्रस्ट करो, जो सीएलसी बोलती है वो करते जाओ, बोर्ड कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा। जो लोग कहते हैं ना कि बोर्ड्स आ रहे हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत प्रेशर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जो सर्स कहते हैं चुपचाप वो कर लो, और मैं सही बता रही हूँ, आँख बंद करके ऐसा लगेगा अरे बोर्ड तो हो भी गया और परसेंटेज भी आ गई। तो ये दो बातें मुझे कहनी थी। थैंक यू सर।